फाइनली बहुत ज्यादा बाहर धूप है और हम आ चुके हैं सिलिकॉन वैली, जिसका और एक नाम है फिनटेक हब। बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग के पूरा नजदीकी है, इलाहाबाद बैंकिंग का जो प्लॉट है वो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रस्टेड फॉर एवर। स्वागत करती है आपको फिर से और एक नया अपडेट के साथ। सो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि आप लोग मेरे को इतना ज्यादा कमेंट दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट दिया। तो गाइस, इसीलिए मेरे को हिम्मत मिलती है ऐसे नए नए अपडेट्स आप लोगों को देने के लिए। सो गाइस, आज तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का वीडियो क्या है। तो आज हम चलेंगे उसी जगह जो कि है फिनटेक हब। तो बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई फिनटेक हब का अपडेट दे दो, तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है और हम निकल पड़े हैं आप लोगों को अपडेट देने के लिए फिनटेक हब। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फिलहाल मैं हूँ इको स्पेस के सामने वाला रास्ते पे और यहाँ से हम सीधा निकल पड़े हैं फिनटेक हब के कंस्ट्रक्शन वाला एरिया का काम एक्सप्लोर करने। सो चलिए चलते हैं फटाफट से। सो गाइस, जाते जाते एक चीज और मेरे को नजर में आ गया जो कि फिनटेक हब के पहले ही आता है वो जगह। तो चलिए पहले ये जो प्रोजेक्ट है ये हम पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे फिनटेक हब के साइड। सो गाइस, ये है मानी ग्रुप का एक नया बिल्डिंग जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल का है। देख सकते हैं इसका काम भी 95% काम इसका ख़त्म हो चुका है और जितना भी बचे हैं वो सिर्फ सजदाजने का काम है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि इसका भी जो प्रोजेक्ट का काम जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाला है। सो गाइस, सामने की तरफ देखिए, इसका जो दो यूनिक सा टावर है वो खड़े हैं और इधर भी है। ये शायद इसमें बहुत सी चीज़ों का काम होने वाला है, जो कि ये क्लब हाउस भी होने वाला है, इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होने वाला है और जो है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी होने वाला है इसके अंदर। तो सब कुछ इसमें मौजूद होगा। सो गाइस, ये है मानी काशा सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम, और उसके आगे जो हम एक्सप्लोर करके आए वो है मानी काशा डोना। तो ये दोनों एक ही ग्रुप का है लेकिन नाम थोड़ा सा अलग है। गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं फिनटेक हब। तो गाइस, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहिए, और अगर चैनल पे आप लोगों में से कोई भी नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, ये जो पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है सामने का, जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन वाला जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा फिनटेक हब के अंदर ही बन रहा है, जो कि यहाँ पे बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर का बहुत सारे नए नए बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेट बिल्डिंग्स यहाँ पर ओपन होने जा रहा है। सो चलिए नज़दीक में जाके देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट का जो नया बिल्डिंग है ये है। सो गाइस, फाइनली आज हम आ चुके हैं सिलिकॉन वैली, जिसका और एक नाम है फिनटेक हब। तो चलिए देखते हैं। हम ये आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि ये जो फिनटेक हब के अंदर बहुत सारे बैंकिंग नॉन बैंकिंग सेक्टर जो काम चल रहा है वो है HDFC बैंक और जो यूको बैंक है और जो बंधन बैंक है और नेशनल इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका भी बिल्डिंग यहाँ पे होने जा रहा है। तो काफ़ी हद तक वो काम आगे बढ़ चुका है, तो देखेंगे हम कितना दूर हुआ है और कितना टाइम लग सकता है। सो गाइस, सामने का जो ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे कि अभी भी बहुत सी प्लॉट खाली पड़े हैं और बहुत सी प्लॉट में देखिए ऑलरेडी बिल्डिंग खड़ा हो चुका है। तो ये पूरा एरिया फिनटेक हब के अंदर ही आता है। और गाइस, और एक बात आपको बताना है कि ये अपकमिंग जो डेवलप एरिया होने जा रहा है न्यू टाउन के अंदर, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है हमारे सिटी न्यू टाउन में।
सो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं नेशनल इंश्योरेंस का जो कंपनी का जो बिल्डिंग है वो यही है, वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का बिल्डिंग। तो गाइस इसका जो काम है देख सकते हैं, बाहर से पूरा कांच पैनल, ग्लास पैनल और जो बाहर से फिनिशिंग का काम था वो ख़त्म हो गया और चल रहा है अभी अंदर का काम। तो काफ़ी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्डिंग बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। गाइस नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग के पूरा नज़दीकी है इलाहाबाद बैंकिंग का जो प्लॉट है वो है, यहाँ पाइलिंग का काम चल रहा है। और पीछे का और जो वो दो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आपको वो है एक HDFC बैंक और एक जो बंधन बैंक है उसका काम चल रहा है। तो हम वो भी जाके नज़दीक से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कि HDFC बैंक और जो बंधन बैंक का जो काम है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बहुत जल्दी जो इसका जो काम है कंस्ट्रक्शन का ये भी ख़त्म हो जाएगा और जो बाहर का जो मतलब जो पैनल वैनल जो फिनिशिंग का काम है वो चालू हो जाएगा बहुत ही जल्दी। देख सकते हैं कितना तेज़ी से ये जो फिनटेक हब का जो एरिया का जो काम है बहुत तेज़ी से हो रहा है। सो गाइस सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो बैंक ऑफ इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन का काम वो भी चालू हो चुका है, पाइलिंग का काम चल रहा है। ये है गाइस ये था कुछ छोटा मोटा अपडेट्स फिनटेक हब के बारे में। सो पता नहीं मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा पाया, अच्छे से एक्सप्लोर करा पाया कि नहीं, लेकिन जितना मेरा हो सके उतना मैं आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश की। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नेक्स्ट जो इसका जो अपडेट्स जो नया जो बिल्डिंग का काम कितना हुआ है नहीं हुआ है इसका अगर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देखना है तो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नया आए हो तो ऐसे ही अपडेट्स आपको जानना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक नए अपडेट के साथ नए जगह का एक्सप्लोरिंग के लिए। सो गाइस तब तक गुड बाय, थैंक यू सभी को मेरे वीडियो फुल देखने के लिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।